हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स और बेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर चलते हैं डिस्कशन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है टीन एज गर्ल्स को लेके। क्वेश्चन ये है कि टीन एज गर्ल्स जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया यूनाइटेड नेशन वुमेन, दूसरा दिया गया यूनिसेफ, तीसरा दिया गया नीति आयोग, चौथा दिया गया यहाँ पे नंदी फाउंडेशन। तो देखो, जो टीन एज गर्ल जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है नंदी फाउंडेशन के द्वारा। नंदी फाउंडेशन है, इसको ग्रांट दी जाती है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के द्वारा, और फिर ये इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। और इस इंडेक्स में या इस रिपोर्ट में किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, जो टीन एजर जो गर्ल्स हैं ना उनके ऊपर इसका फोकस है वो मेनली रहता है, उनकी ग्रोथ के ऊपर, इनके किस तरीके उनके एजुकेशन वगैरह है उन सब पे फोकस है वो किया जाता है। मतलब जो टीन एजर की जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर इसका फोकस है वो रहता है। तो अभी ये न्यूज़ में था तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स दी हुई हैं और एक सा स्टेट्स हैं वो दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो क्योंकि मार्शल आर्ट वगैरह यूपीएससी काफ़ी बार पूछती रहती है। पहला दिया गया यहाँ पे थांगटा, जो ऑप्शन दिया गया सामने मणिपुर। दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे नाटा सरिकाना, ये यहाँ पे दिया गया आसाम, नाटा सरकीर्तना। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ले हेरोबा, ये यहाँ पे दिया गया नागालैंड का। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ढंग से मैच है वो किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है यहाँ पे आदि महोत्सव को लेके। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। पहला ऑप्शन आपके सामने कि आदि महोत्सव वो ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और ट्राइफेड के द्वारा। और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है आपको दूसरा स्टेटमेंट कि जो ये आदि महोत्सव होता है इसमें एक तरीके से प्रदर्शनी लगती है हैंडीक्राफ्ट आइटम की, ट्राइबल्स की जो आर्ट हुई, उनकी पेंटिंग हुई या फिर जो उनके द्वारा फैब्रिक सील वगैरह हुआ, इसके साथ ही ज्वेलरी वगैरह हुई, ये इसमें प्रदर्शनी वगैरह लगाई जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है जीएसटी के बारे में। पहला ऑप्शन है जीएसटी काउंसिल के बारे स्टेटमेंट है कि जीएसटी जो काउंसिल है इसके चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जीएसटी काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। अब आप बताइए कि जीएसटी काउंसिल, पहली इफेक्ट ये बताइए कि जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि इसके चेयरपर्सन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, बट दूसरा स्टेटमेंट आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं। आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल और जो स्टेचुरी बॉडी है उनमें डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुरी बॉडीज के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्लीज़ आप जो ये आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो यहाँ पे रोशनी ऐप को लेके। क्या है रोशनी ऐप? देखो, जो लोग दृष्टि बाधित या जिनकी मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है उन लोगों के लिए जो नए नोट है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए स्कीम है वो चलाई गई है। और ये एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, जो कि डेवलप किया गया है IIT के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पंजाब में जो रोपड़ में IIT है उसने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है रोशनी ऐप, और इस एप्लीकेशन की हेल्प से जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो नए नोट आए हैं ना उनको पहचाना आइडेंटिफाई किया जाएगा दृष्टि बाधित लोगों के द्वारा। इसमें होगा क्या कि कैमरे के ऑन करके उसके सामने नोट लाना होगा, तो वो एक तरीके से ऑडियो फॉर्म में बता देगा कि भैया 10 का नोट है, 50 का है, 20 का है, 100 का है, 200 का है, 500 का है वगैरह, ये इन्फॉर्म है वो कर देगा ऑडियो के जरिए। तो ये इसमें बस फैक्ट है वो ध्यान रखना कि रोशनी ऐप है क्या। यूपीएससी पूछ लेगी कि भाई जो ट्राइबल्स एरिया हैं उनको एजुकेट करने के लिए है, तो वो हमें आप ये बताइए जो नई रोशनी स्कीम थी वो किस लिए थी? एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की नई रोशनी, उसके बारे में आप बताइए कि नई रोशनी स्कीम है वो क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में। देखो, हर साल 24 जनवरी को नेशनल चाइल्ड डे है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो मनाया जाता है। एक फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो तो मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो मनाया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। यह जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यह मनाया जाता है या ये ऑर्गेनाइज किया जाता है महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसकी इस बार की थीम थी उज्ज्वल कल के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण। यह हम बोल सकते हैं इंपावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर टुमारो। अब देखो, ये फैक्ट यहाँ पे छोटा सा और दिया गया है। एक तो हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का मोटो क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एक तो है कि CSR यानी चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है इसको हमारे देश में इसको लेके अवेयरनेस फैलाना लोगों में और इसको इंक्रीज किया जा सके, इसमें हेल्प है वो मिलेगी। इसके साथ ही जो कैंपेन्स ले जाएंगे लड़कियों को बचाने के लिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए, और हम बात करें यहाँ पे कि जो गर्ल्स चिल्ड्रन हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी, नई स्कीम है, नए कैंपेन है वो चलाए जाएंगे, उनको एम्पावर किया जाएगा। इसके साथ ही वो महिलाओं के लिए, जो गर्ल साइड हैं इनके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो बिल्डअप किया जाएगा, ताकि उनका काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे देश की इकोनॉमी में या फिर और भी सेक्टर्स में सुनिश्चित किया जा सके।
एक फैक्ट यहाँ पे ये है कि इस प्रोग्राम में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम था बीबीबीपी, इस स्कीम को भी एक तरह से ऑब्जर्व है वो किया गया है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी पहले 2015 में हरियाणा के द्वारा और सोनीपत हरियाणा में पानीपत में, ये आपको ध्यान रखना कि पहले तो हरियाणा में स्टार्ट की गई थी। इसके बाद इसको नेशनल लेवल पे जो स्प्रेड किया गया था, ऑल इंडिया लेवल पे जो इसका एक्सपेंशन किया गया था वो किया गया था यहाँ पे लास्ट ईयर 2018 में 8 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू जिले से, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने मतलब इस स्कीम को एक हम बात कर सकते हैं कि नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट है वो किया था। फैक्ट क्या है यहाँ पे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आप कभी ये बताइए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में डिफरेंस क्या होता है? काफ़ी बार हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। देखो इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने 5 दिन पहले पढ़ा है तो भूल जाओ, ये सारी चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो ही आया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का मतलब क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उसको स्पॉन्सर करी है, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर में सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देने वाली है, और सेंट्रल सेक्टर मतलब सेंट्रल ने स्कीम तो लेके आई है बट इसमें पैसा है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों देंगे, वो डिसाइड होता है कि 60-40 के रेशियो में देना है या फिर 90-10 के रेशियो में देना है या फिर 100 के रेशियो में देना है, तो वो अलग अलग इसके फीचर्स होते हैं। तो ये फैक्ट है जो हमें थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो देखो जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये तो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आसाम, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है बिजली भूटान है, तो आसाम और भूटान के बॉर्डर वाले एरिया में है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब देखो ये आपको दिख रही होगी नदी, ये तो आप जानते ही हो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही बह रही है और यहाँ फिर 90 डिग्री का टर्न बनाती है, ये तो हो गई ब्रह्मपुत्र, और ये ब्रह्मपुत्र की यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी आपको दिखेगी मे बी, यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मानस, तो मानस जो ट्रिब्यूटरी है वो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से ही बहती है, और ये आप बताइए कि ये इसकी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट साइड की? देखो राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड होता है नदियों में वो आपको बताता हूँ, जो ओरिजिन होता है ना उसकी साइड आप जैसे ओरिजिन से नदी इस साइड फ्लो करिए तो इस साइड आप मूव करके फिर डिसाइड करो नदी ऐसे बह रही है, इसका मतलब ये तो होगा इसका राइट हिस्सा, ये होगा इसका लेफ्ट, इसके बाद नीचे नदी ऐसे आ रही है तो क्या होगा? अब यहाँ पे आप देखिए ये राइट हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ओरिजिन से हमें देखना है ओरिजिन की साइड से नदी इस तरफ फ्लो करिए उस साइड हमें मुंह रखना है और फिर उसको देखना है कि राइट साइड में वो राइट साइड और लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड, तो ये फैक्ट छोटा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब और फैक्ट देखते हैं, देखो मानस नेशनल पार्क भी है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर के मानस नेशनल पार्क को बनाया गया है और यूनेस्को का यह नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको इंक्लूड है वो किया गया है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया है, एलिफेंट रिजर्व भी है इसमें, बायोस्फीयर रिजर्व भी है आसाम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो गया, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो पाई जाती है कहाँ पे? हिमालय के फुटप्रिंट में, मतलब हिमालय के जो तलहली एरिया है तलघाटी वाला एरिया है उसमें है, और यहाँ पे हम बात करें तो मानस नेशनल पार्क भी है जो कि भूटान के अंदर भी इसका हिस्सा है वो आता है, क्योंकि बॉर्डर का एरिया तो ऑब्वियसली भूटान में भी है और इंडिया दोनों में ही है। अब यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है मेनली? तो देखो एक तो आपको ध्यान रखना है पिग्मी होप, ये पिग्मी हो गए ये यहाँ पे मतलब यहाँ की स्पेशल स्पीसीज हैं, इसके साथ गोल्डन लंगूर है वो। आजकल तो कोई यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है कि आपको ऐसे दे देगी कि एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें पिग्मी होक जैसे स्पीसीज पाई जाती हैं, वहाँ पे एक तरीके से रोहिनो पाया जाता है वगैरह वगैरह, इस तरीके से स्टेटमेंट के थ्रू में आइडेंटिफाई करना होता है कि यार ऐसा कौन सा है जहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है, तो ये इफेक्ट थोड़ा हमें ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ का पिग्मी होक है वो इंपॉर्टेंट है, गोल्डन लंगूर और इसके साथ ही आसाम रूफ टर्टल है, तो देखो ये तो यूपीएससी नहीं देगी क्योंकि उसमें नाम से थोड़ा पता चल रहा है तो ये मे भी ना दें। अब देखते हैं नेक्स्ट और आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है काजीरंगा नेशनल पार्क को लिखें। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके बारे में देखते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक्चुअली भारत का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ मतलब प्रोटेक्ट एरिया है और इसे 1905 में पहली बार इसको प्रोटेक्शन आया, इसको अधिसूचित है मतलब ऑफिशियली तौर पे किया गया था, और 1908 में इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे अभियान है कैंपेन है चलाए गए थे, एरिया वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों है काजीरंगा नेशनल पार्क? वन हॉर्न राइनो के लिए, वर्ल्ड की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है लगभग 80% के आसपास जो वन हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन है वो आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ही है, और इसमें उम्मीद की जाती है कि लगभग 2413 वन हॉर्न राइनो है वो यहाँ पे है, और इसको 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी प्रिजर्व हुआ या फोकस है वो किया गया है, तो ये इफेक्ट ध्यान में रखने हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो ही आई न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में तो आपको तुरंत समझना है कि ये वन हॉर्न राइनो के लिए है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो अभी कंटेक्स तो इसका कुछ इस प्रकार आया था कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में फ्लड आ गई थी तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो रोहिनोस थे ना वो शिफ्ट यहाँ से मतलब इधर उधर उनको मूव किया गया था ताकि उनको बचाया जा सके, तो उसको लेके न्यूज़ वगैरह आई थी, तो वो कुछ इतनी कुछ खास हमारे लिए थी नहीं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेड,
मतलब विश्व में जो ग्लोबल लेवल पे हम बात करें हेल्थ के बारे में, तो सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या है, तो उन 10 गंभीर समस्याओं का यहाँ पे जिक्र है, वो क्या गया है। तो देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक बार आप देख लेना जरूर इनको। ये WHO के द्वारा ये लिस्ट है वो जारी की जाती है कि भाई 2019 में कौन कौन से मेजर हेल्थ थ्रेट हैं वो होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया पहला तो है एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। सिक्वेंस तो देखो कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ऐसे इतना याद हो तो ही बहुत है कि कौन कौन से हैं। जैसे इसमें हेल्थ में दिया गया है कि एक तो क्लाइमेट चेंज दिया गया है, इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दी गई हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक दिया गया है, इसके साथ ही यहाँ पे जो वल्नरेबल सेटिंग हो गई है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, इसके साथ ही जो माइक्रोबैक्टीरियल जो डिजीज होती है उनको इंक्लूड किया, माइक्रोबैक्टीरियल जो रेजिस्टेंस है उनको इंक्लूड किया गया है, जो कि मैंने टीबी में काफी बार बन जाता है। इसके साथ ही इबोला हुआ, और यहाँ पे जो हम बात करें वीक प्राइमरी हेल्थ, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस नहीं करना, ये भी एक अहम बीमारियों का रीजन होता है। इसके साथ ही यहाँ पे वैक्सीन है, ये देखो मेंस में इंपोर्टेंस का यूज हम कहीं कर सकते हैं, बाकी तो कुछ इतना प्रीलिम्स के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना के बारे में। देखो यह जो स्कीम है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम स्टार्ट है वो की गई है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हो गया, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। और है क्या इस योजना में, इस योजना में यह है कि जो प्रवासी, जो कि एक्चुअली भारत के, मतलब प्रवासी कौन होते हैं, जो कि पहले भारत के थे और अब दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं, तो जो प्रवासी डायस्पोरा है ना एक तरह से, उन डायस्पोरा को इंडिया के अंदर टूरिज्म में प्रमोशन में हेल्प वो मिलेगी। जैसे एग्जांपल ये मान लो कि कोई भी एक पर्सन था इंडिया का, वो बाहर रहने लग गया, वो इंडिया से प्रवासी है, वो बन चुका है, तब क्या करेगी गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई करके, केवल सिलेक्टेड जो लोग होंगे उनको आइडेंटिफाई करके फिर उनको इंडिया में टूरिज्म है उसको, मतलब टूरिज्म के तौर पर उनको पर्यटन का फोकस है वो किया जाएगा, ताकि वो इंडिया के बारे में और अच्छे से जान सकें और इंडिया की जो वैल्यूज़ हैं इनको बाहर की अदर कंट्रीज़ में स्प्रेड कर सकें। तो ये इसके इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो रहेगा। और इसमें जो धार्मिक प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेस हैं इंडिया में, उनके ऊपर भ्रमण है उनको करवाया जाएगा। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि जो मेजर इंडिया के रिलीजियस सेक्टर हैं उनके ऊपर फोकस यहाँ पे किया गया है, कम्प्लीटली गवर्नमेंटली स्पॉन्सर्ड, मतलब सारा जो पैसा है टूर का वो पैसा देगी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। फायदा क्या होगा, फायदा देखो ये होगा कि ये इंडिया की एक तो सॉफ्ट वैल्यू वो बढ़ेगी, इसके साथ ही इंडिया के कल्चर के बारे में वो लोग और ज़्यादा जान पाएंगे और अदर कंट्रीज में भी इंडिया की वैल्यू है वो स्प्रेड होंगी। अब इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसका क्राइटेरिया है कि वो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के हो और जिनकी एज 45 से 65 के बीच में हो, वो इस स्कीम के लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं, फिर उनको गवर्नमेंट सेलेक्ट करके फिर उनको इंडिया में पर्यटन के तौर पे हम लोगों को दर्शन है वो करवाने वाली है। इसमें मेन जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो यहाँ पे दी जाएगी गिरमिटिया कम्युनिटीज को। ये गिरमिटिया कंट्रीज कौन सी होती हैं, देखो गिरमिटिया कंट्रीज वो हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे आपको पता क्या होता था, कि अंग्रेज जो चाय कॉफी के बागान होते थे ना बाहर, जैसे कि उस टाइम पे आपको पता कि मॉरिशस वगैरह ये सब अंग्रेज फ्रांस वगैरह इनके अंडर में होते थे, तो अंग्रेज क्या कहते थे कि इंडिया के जो पर्सन होते थे, इंडिया के जो लोग होते थे, इनको मॉरिशस, फिजी, गुनिया, थाईलैंड, जमैका, इन कंट्रीज में ले जाते थे और फिर वहां पे इनसे एक तरीके से स्लेवरी के तौर पे काम करवाया जाता था। फिर हुआ क्या कि वो लोग धीरे धीरे वहीं बस गए, और हुआ क्या आप देखिए कि उनके पूर्वज तो हो गए इंडिया के बट वो लोग हैं वहां पे, तो उनको कहा जाता है गिरमिटिया पर्सन, और वो एक्चुअली गिरमिटिया कंट्रीज आती हैं, जिसमें कि मॉरिशस आ जाता है, फिजी आ जाता है, सूरीनेम आ जाता है, इसका गुयाना आ जाता है, थाईलैंड यहाँ पे त्रिनिदाद आ गया, इसके साथ ही टोबोगो आ गया और जमैका, ये कंट्रीज इसमें शामिल है, मतलब वहाँ इंडिया के पर्सन थे वो वहाँ पे काम करते थे अंग्रेजों के टाइम पे, तो उनको यहाँ पे गिरमिटिया कंट्रीज के तौर पे संबोधित किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है या नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो ये यह है यहाँ पे INF ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस किस के बीच में है, यह जो ट्रीटी है वो US और USSR के बीच में साइन हुई थी, मतलब अमेरिका और रूस के बीच में यह ट्रीटी साइन हुई थी। कब, देखो जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था उस दौरान ये ट्रीटी साइन की गई थी। इसका मोटो ये था उस टाइम पे कि भाई दोनों कंट्रीज, मतलब US और जो USSR या जो आज का रशिया है, वो क्या करेंगे, दोनों ही अपनी जो ग्राउंड से लॉन्च की जाने जो मिसाइल है जिनकी कैपेसिटी 500 से 5500 किलोमीटर है। देखो ये सारा फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ग्राउंड लॉन्च मिसाइल जिनकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर के बीच में है वो दोनों ही कंट्री डेवलप नहीं करेंगी, और जिनके इनके पास जो भी हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करेंगी। तो ये ट्रीटी इन दोनों के बीच में हुई थी रेंज, और इसमें सारे के सारे ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना, UPSC पूछ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और अभी ये न्यूज़ में भी थी क्योंकि इससे USA भी बाहर आ गया था, और अभी बात हम करें तो रशिया ने भी इससे मतलब बाहर आने की बात वो की थी, तो उसको लेकर काफ़ी तनाव भरी बातें यहाँ पे सामने आ रही थी। तो देखो ये थी आज की हमारी कंप्लीट न्यूज़ डिस्कशन, तो फिलहाल की न्यूज़ में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।